नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा, आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। फ्रेंड्स, आज हम एलकॉफ डी एक्स सिरप का रिव्यू करेंगे। तो पहले आपने जो वीडियो देखा है एलकॉफ का, वो प्लेन है और उसमें टर्बोटालिन वगैरह है जो कि ड्राई कफ के लिए नहीं है, चेस्ट इन्फेक्शन या सीपीओडी के लिए होता है वो सिरप। तो फ्रेंड, आज हम इस सिरप का रिव्यू करेंगे, इसके यूज़ेस क्या, साइड इफेक्ट है, उसके बारे में आज पूरी नॉलेज लेने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आप जैसे कि धार्मिक स्थल या अच्छे अच्छे प्लेसेज या मोटो ब्लॉगिंग ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल बुंदेली ब्लॉग्स को करें सब्सक्राइब, साथ में दबाएँ बेल आइकन, क्योंकि जो वीडियो हम उस पर अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो प्लीज़ जाके दोस्तों बुंदेली ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें, आप जाके होम पेज पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर बात करेंगे अब इसके सिरप के बारे में, इसके क्या इस्तेमाल है। तो यहाँ पर अब एलकफ डीएक्स की ब्रांडिंग देख सकते हैं, और यहाँ पर कंटेंट की बात करें तो इसका कंटेंट है क्लोरफेनिरामाइन और डेक्सोमिथारफोन हाइड्रोक्रोमाइड। तो इसमें ये कंटेंट आप देख सकते हो और यहाँ पर मिलीग्राम भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक ड्राई कफ के लिए है, जिन पेशेंट को सूखी खांसी आती है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और इसका एमआरपी है 54 पीस, इसका एमआरपी है, और एलकम इस प्रोडक्ट को बनाती है और ये एक जेनरिक ब्रांड है। तो आइए और इसके इस्तेमाल के बारे में हम बात करेंगे। तो जिन महिलाओं को या जिन पुरुष को सूखी खांसी आती है या बच्चों को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, जैसे रात को खांसी आती है तो एकदम आती ही रहती है दोस्तों, तो ये ड्राई कफ के लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप है। और किसी प्रकार का आपको नज़ला या जुखाम होता है, साथ में गले में दर्द होता है, इचिंग होती है, तो आप एलकफ डीएक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्राई कफ के लिए बहुत ही बेहतरीन ये सिरप है, आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको इसकी जगह ये नहीं मिलता तो फैंसी ड्रिल या बहुत से कंपनीज़ के सिरप आते हैं, स्कोरल डीएक्स आता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको लगातार या टीवी की प्रॉब्लम है जिन पेशेंट को, तो वो भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको सूखी खांसी लगातार आती है तो वो भी ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार की भी आपको सूखी खांसी आती है, लगातार आती है या छींकें आती हैं, तो आप एलकफ का सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए डोजेस के बारे में हम जान लेते हैं। डोजेस क्या हैं, बच्चों को आप 5-5 ml सुबह शाम दें, अगर आप बड़े हैं तो आप 10-10 ml सुबह शाम ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट दोस्तों कुछ भी नहीं होता। अगर आपको होगा या तो दस्त वगैरह लग सकते हैं या थोड़ा कड़वा लग सकता है, कड़वा तो होता नहीं, ये हल्का मीठा कड़वा सा होता है, तो इस प्रकार के आपको साइड इफ़ेक्ट माइनर से दिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।